बैड रॉक वर्सेस जावा, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई है काफी साल पुरानी। और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, चलो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये बात है 16 अगस्त 2011 की, जब माइनक्राफ्ट बैड रॉक एडिशन लॉन्च हुआ था। तब तक तो सब सही था, पर उसके 3 महीने बाद 18 नवंबर 2011 को माइनक्राफ्ट जावा वर्जन लॉन्च होता है। और तब से लेकर आज तक 2022 तक ये लड़ाई चल रही है, और आज तक कोई भी डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। पर तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन बेस्ट है कौन नहीं, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंसेस दिखाने वाला हूँ बैड रॉक और जावा के अंदर, और तुम्हें बताना है कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर। और जो जीतेगा उसके लिए है लास्ट में खतरनाक सा प्राइस। तो चलो नंबर वन की तरफ। नंबर वन, बैड रॉक के अंदर जब अपन बैल रख के उसके ऊपर कुछ मारते हैं तो वो बजने लगती है, देख रहे हो तुम कितनी आवाज आ रही है। और क्या ये जावा में भी होता है, तो देखते हैं। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अरे जावा वालों परेशान मत हो, आगे पूरी वीडियो बाकी, टेंशन मत लो, बैड रॉक वालों को अभी नंबर लेंगे, टेंशन मत लो तुम लोग। तो नंबर टू, तुम लोगों ने स्कल हॉर्स का नाम सुना ही होगा, वो बहुत ज्यादा रेयर होता है और जिसको मिल जाता है उसकी तो मजे आ जाते हैं। पर ये शर्त है, वो मिलना चाहिए तुम्हें बैड रॉक एडिशन में। क्यों? क्योंकि अपन उसकी राइड कर सकते हैं और उसकी स्पीड नॉर्मल हॉर्स से बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत तो नहीं उससे ज्यादा ही होती है, और उसकी जंप स्किल्स भी ज्यादा होती है। पर अगर वो जावा वालों को मिल जाता है कहीं, जावा वाले बस उसका एक यूज कर सकते हैं, उसको मार के उसकी बोन ले सकते हैं। मुझे लग रहा है जावा वालों के बहुत तेज आंसू आ रहे हैं। अरे जावा वालों यार परेशान मत हो, अभी तो स्टार्ट हुई यार, 2 पॉइंट बताए मैंने, टेंशन मत लो। तो 2 पॉइंट बताने पे बैड रॉक के होते हैं 2 पॉइंट्स और जावा के होते हैं 0 पॉइंट। पर कोई नहीं, देखते हैं कौन जीता है, वो तो तुम लोग बताओगे जीतेगा कौन और कौन नहीं। नंबर थ्री, अगर जावा वाले कहीं पानी के अंदर फंस जाते हैं तो वो एक डोर बना के बच सकते हैं, और भाई ये काफी सही चीज है। पर अगर कहीं बैड रॉक वाले फंस गए तो भाई उनके कोई चांस नहीं है बचने के, बस वो मर के बाहर आएंगे। अब तो लग रहा है जावा वाले मन ही मन खुश हो रहे होंगे, अरे बेटे खुश हो ले कोई दिक्कत नहीं है। नंबर फोर, और ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, बताऊं क्यों? क्योंकि जावा वाले एक साथ लाइक और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते किसी भी हालत में, पर बैड रॉक वाले दबा सकते हैं। चाहे अभी ट्राई करके देख लो बैड रॉक वालों, तुम दोनों बटन एक साथ दबा सकते हो, सब्सक्राइब और लाइक बटन, हुआ ना सब्सक्राइब और लाइक। नंबर फाइव, जावा वाले बैड के ऊपर बैड रख के एक सीढ़ी बना सकते हैं, वो भी गद्देदार, मतलब उछलने वाली सीढ़ी, पर वहीं बैड रॉक वाले ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब स्कोर हुआ है बैड रॉक 3 जावा 2, मतलब बराबरी का मुकाबला चल रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। और अब है बारी नंबर 6 की, बैड रॉक के अंदर अगर स्टैंड का नाम डिनर बोन रखा जाए तो वो स्टैंड उल्टा हो जाएगा। भाई उल्टा हो गया यार, मुझे सच में अब पता चला ये उल्टा भी हो सकता है, वो भी डिनर बोन नाम रखने से। मैं तो इसे और भी मॉब्स पे ट्राई करूंगा, और भाई ये तो सारे मॉब्स पे ट्राई कर रहा है, मतलब जो मैंने ट्राई करे उस पे तो काम कर रहा है, पर यही देखना है कि जावा के अंदर ये होता है या नहीं होता। तो चलो जावा के अंदर, पर ऐसा कुछ जावा के अंदर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं होता है। तो जावा वाले को चुप कराने के बाद अपन चलते हैं नंबर 7 की तरफ। मुझे नहीं लगता ये पॉइंट कभी ट्राई हुआ होगा और कभी किसी ने किया होगा, क्योंकि भाई खुद को कौन मारेगा, चलो मैं बताता हूँ क्यों। बैड रॉक के अंदर अगर कैंप फायर बुझ जाती है तो तुम खुद के आग लगा के उस कैंप फायर को जला सकते हो, मेरे को नहीं पता ये कौन करेगा। और जावा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें आग लगी ना तो तुम मरोगे, कोई और नहीं जलेगा, बस तुम जलोगे, वो भी तुम्हारे जल के भुट्टा बन जाओगे जब तक जलोगे, मतलब तुम जब तक मर नहीं जाते जब तक जलोगे। और जावा वाले ना मुझे लगता है इस बात पे खुश हो रहे होंगे, क्योंकि भाई जल के कौन जलाता है आग, वो भी खुद जल के कौन जलाएगा। खैर छोड़ो, अब बारी है नंबर 8 की, ये थोड़ा मुझे ठीक ठाक लगता है, क्योंकि बैड रॉक के अंदर अपन पानी का कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब समुंदर का नहीं, मतलब ये छोटे छोटे पानी की वो समझो यार, इसको समझ लो यार, तुम समझदार हो बैड रॉक वालों, जावा वाले भी। तो अपन पानी का कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखो, देख रहे हो अब लाल हो गया, पीला हो गया, नीला, और कुछ भी कलर जो तुम्हारी इच्छा करे वो कलर कर सकते हो। वहीं जावा वाले ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, जावा वाले तुम्हारे तो किस्मत खराब है शायद कि ये तुम्हारे फंक्शन ऐड नहीं करा। और अब बारी है नंबर 9 की, और ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि बस सुनो क्यों है ये खतरनाक। जावा के अंदर जब मैं 10,000 एंड क्रिस्टल एक साथ स्पॉन करता हूँ तो इनका कुछ एनिमेशन ऐसा आता है, और भाई ये काफी अच्छा भी लग रहा था, और मैंने डिसाइड करा एनिमेशन देखने के बाद मैं इसके अंदर कूद के अपने आप को उड़ा लूं। पर जैसे ही मैंने खुद को उड़ाया तो भाई मैं 6-7 ब्लॉक ऊपर गया, शायद वो भी नहीं गया, कुछ हुआ ही नहीं मतलब इससे, और एनिमेशन भी ठीक ठाक था। पर कोई नहीं, अब बारी थी बैड रॉक की, और बैड रॉक के अंदर भी मैंने 10,000 एंड क्रिस्टल एक साथ समन करे, और भाई उनका एनिमेशन खतरनाक था, और मेरे फोन की रेम रोम भी बहुत खतरनाक थी, जो लैग हो रहा था यार, भाई लैग होने लग गया मेरा फोन इतने ज्यादा एंड क्रिस्टल देख के, बावड़ा हो गया। पर खैर छोड़ो, तो मैं जल्दी से इस एंड क्रिस्टल को फोड़ता हूँ। ओ भाई
मैं ऊपर चाहे जा रहा हूँ। ओ 10,000 ब्लॉक भाई, मैं 10,000 ब्लॉक तक ऊपर चला गया। और अब मेरे माइंड में आया कि यहाँ से MLG क्यों ना करी जाए, तो मैं जल्दी से सर्वाइवल मोड में आता हूँ और एक बकेट लेते हैं, तो इंतजार करता हूँ नीचे पहुंचने का। और भाई मेरे को 2 दिन हो गए मैं नीचे नहीं आ रहा यार, मुझे 2 दिन हो गए नीचे नहीं आ रहा। और फाइनली अब 2,000 ब्लॉक, 1,000 ब्लॉक, 500। ओ भाई नीचे, ये क्या, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, समुंदर फिर गया भाई, पूरा समुंदर के अंदर गिरा हूं यार मैं। और यार इन लोगों ने मेरे सपनों पे तो पानी गेर दिया, मतलब पूरा समुंदर गेर दिया है। मैं सोचा था इतनी अच्छी MLG करूंगा प्रो लेवल वाली, पर इन लोगों ने समुंदर के अंदर गिरा दिया यार मुझे। पर कोई बात नहीं, और जो मैंने स्टार्टिंग में सरप्राइज की बात करी थी वो सरप्राइज है फेस रिवील, और मैं सोच रहा हूँ फेस रिवील करने की, वो भी 7K पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और 7K होते ही नेक्स्ट वीडियो होगी फेस रिवील के साथ, और मिलते हैं अगले साल। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए बाय।